नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और झारखंड के सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं पात्रा। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। जी हां दर्शकों, आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा। हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता तभी कर पाएंगे जब आपका सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। हम और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला जान पड़ता है। इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की खबरों में। कई जिलों समेत जमशेदपुर में होगी भारी बारिश। 2 अक्टूबर तक बारिश होने की जताई जा रही है संभावना। 3 अक्टूबर से खुल सकता है मौसम। तापमान में भी आ सकता है उतार चढ़ाव। निजी स्कूलों में 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है दाखिले की दौड़। जनवरी के तीसरे सप्ताह के शनिवार को प्रकाशित किया जाएगा रिजल्ट। लॉटरी में शिक्षा विभाग के कर्मचारी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे मौजूद। सरयू राय ने अपने समर्थकों के जेल जाने पर कही बात। कहा, कार्यकर्ताओं का जेल जाना परिपक्वता प्रदान करने वाला प्रशिक्षण की तरह है। आदिपुर में मामा के घर आए युवक की तलवार से की गई हत्या, 2 हुए घायल। बस्ती में मचा हड़कंप। टाटा स्टील के कर्मचारी प्रीतपाल सिंह और उनकी पुत्री ने 30 जून 2021 की शाम को प्रीतपाल सिंह ने ट्रेन से कटकर की थी खुदकुशी। मामले में महिला की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज। टाटा स्टील में अपेक्स एथिक्स एवं एथिक्स कमेटी का हुआ गठन। टाटा स्टील के ग्लोब CEO सह प्रबंध निदेशक TV नरेंद्र ने अपेक्स एथिक्स कमेटी के तथा उपाध्यक्ष अवनीश गुप्ता एथिक्स कमेटी के बने चेयरपर्सन। 2 महीने के बाद कोरोना से TMH के पूर्व डॉक्टर की हुई मौत। 4 मिले नए मरीज। मुसाबनी स्थित CRPF कैंप के 17 जवानों को डेंगू और 9 को चिकनगुनिया की हुई पुष्टि। हाई अलर्ट हुआ जारी। मानवों में फोन पर बात करने के दौरान छठे तले से गिरी महिला मजदूर, स्थिति हुई गंभीर। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर एक मंच पर दिखे महागठबंधन के नेता। जिला मुख्यालय पर दिया धरना। जमशेदपुर स्थित 106 वाहिनी द्रुत कार्यबल में बबीता सिंह क्षेत्रीय काव्य अध्यक्षा की अध्यक्षता में कैंप परिसर में रहने वाली महिलाएं और महिला कर्मियों ने भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया मूवमेंट 2.0 आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए निकाली साइकिल रैली। साथ ही वायु प्रदूषण और नित्य मौसम में हो रहे बदलाव से बचाव के लिए किया वृक्षारोपण। आदित्यपुर में तलवार से मारकर की गई हत्या, 2 हुए घायल। भाइयों के बीच हुआ विवाद। रांची के नामकुम क्षेत्र के लोहाडी में 2 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर, 1 की हुई मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से हुआ घायल। रांची के खलारी में अवैध संबंध के कारण पति पत्नी व प्रेमी की हुई मौत, बेटी हुई जख्मी, भतीजी है सदमे में। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर को KBC में नजर आएंगे जमशेदपुर के राजेश। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा से नाबालिग के अपहरण मामले में परेशान है परिजन, नहीं मिल सका कोई सुराग। रेलवे में नौकरी का बेहतर है मौका, 782 पदों पर होगी बहाली। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की घोषणा से व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी। झारखंड में सुगम होगा आयात निर्यात। आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया बालाजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की लाश कंपनी गेट से 100 मीटर की दूरी पर बरामद। जांच में जुटी पुलिस। पढ़ाई छोड़ने के 16 वर्ष बाद पूरी के स्नातक की शिक्षा और जीत लिया साहित्य अकादमी पुरस्कार। चाकुलिया के रहने वाले हैं चंद्रमोहन किस्को। पूर्वी सिंहभूम जिले के 18,000 किसानों को मिल चुका है क्रेडिट कार्ड। सी कार्गो चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाली दुनिया की पहली स्टील कंपनी बनी टाटा स्टील। दुष्कर्म के आरोपी बिरसानगर थाना के दारोगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। दलमा की पालतू हथिनी चंपा हुई बीमार, हाथी के साथ सेल्फी लेने वाले पर्यटक हुए मायूस। सिंगापुर के तर्ज पर जमशेदपुर के दुमोहानी में बन रहा है भूल भुलैया पार्क, शहरवासियों को जल्द मिलेगी सौगात। तो आज के लिए बस इतना।